नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। प्रख्यात आलिमुद्दीन मौलाना नदीम उल वाजिदी के इंतकाल पर एक शोक सभा का आयोजन देवबंद के जामिया तिब्बिया में किया गया। जामिया तिब्बिया देवबंद के ताहिर हॉल में प्रख्यात आलिमुद्दीन मौलाना नदीम उल वाजिदी के इंतकाल पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने की। शोक सभा का प्रारंभ कारी मोहम्मद वासिफ के तिलावत कलाम पाक से किया गया। शोक सभा में वक्ताओं ने मौलाना नदीम उल वाजिदी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में विचार व्यक्त किए। लेखक सैयद वजाहत शाह उर्फ कमल देवबंदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौलाना नदीम उल वाजिदी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादगी के साथ बिताया। उन्होंने कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया, बल्कि छोटे के साथ छोटे और बड़े के साथ बड़े बनकर रहते थे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहत खलील ने कहा कि मौलाना का देहांत हम सब के लिए नहीं बल्कि पूरे आलिमुद्दीन के लिए दुख की घड़ी है, जिसकी पूर्ति होना नामुमकिन है। डॉक्टर अनवर सईद ने अपने संबोधन में कहा कि मौलाना नदीम उल वाजिदी बड़े आलिम एवं मुंसिफ होने के बावजूद बहुत ही मिलनसार शख्सियत थे। उन्होंने लगभग 80,000 औराक लिखे। उन्होंने एक वक्ता के रूप में असंख्य लेख लिखे और सेमिनार, जलसों व कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने देश के प्रसिद्ध समाचार व पत्रिकाओं दारुल उलूम, नया दौर, हुमा, अलजमियत आदि में उनके लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने लंबे समय तक स्वयं के संपादन में उर्दू मासिक पत्रिका तर्जुमाने देवबंद का सफल प्रकाशन किया। 70 साल के संघर्षशील बेमिसाल जिंदगी जीकर वह दुनिया से रुखसत हो गए। कार्यक्रम में सैयद हारिस, आमिर उस्मानी, अहमद गोड, असद जमाल फैजी, सुहेल उस्मानी, शागिल उस्मानी और कॉलेज व अस्पताल का समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और हमने फौरन नदीम भाई को सवाल पहुंचाया और जवाब मालूम हुआ और हमने वहां जवाब दे दिया। खाते में हमारे चढ़ता था कि भाई नवाब भाई से पूछा था और उन्होंने ये जवाब। रात को सोच रहा था कि अब ये सवाल किससे किया जाए, ये सवाल किससे पूछा जाए, इसका जवाब कौन देगा। बड़ी बेचैनी। और हकीकत यह है कि हर लम्हा यह लगता था, मतलब मौत जैसे मौलाना फरमा रहे थे यकीन करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यकीन करने को जी नहीं चाहता। हर वक्त यही लगता था कि आखिर का सुकून आ जाए और कोई दूसरी इत्तला आनी चाहिए, ये इत्तला दिया आनी चाहिए। और मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बताइए एक छोटे से हाल में एक तालियती जलसा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब इस अजीबुल मतबक शख्सियत के बाद खुलेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी शख्सियत रुखसत हुई है। अभी तो आप आठ और घंटा एक घंटा इस जलसे में बैठे हैं। भाई नदीम के, चूंकि हम तो दोस्त थे तो हम तो नदीम भाई कहते थे, तो उनकी शख्सियत के वो पहलू जब उनके हमस उनसे बड़े, उनके छोटे, उनके दोस्त, उनके असातिज़ा बयान करेंगे तो किताबें लिखी जाएंगी। एक और बात बता, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा मुदब्बिर, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा सहाफी, इतना बड़ा कालम निगार, लेकिन हमारी दातों का सिलसिला था, एक हमारा खाओ कलर था, उसके बड़े जिम्मेदार मेंबर थे, बड़े खाओ थे, मतलब सभी कहते थे उनको, मतलब पीर साहब कहते थे हम सब लोग आपस में। तो क्या होता था कि जब कोई आदमी जरा सा ये करता था कि भाई उसको हम कहते थे भाई दावत, अल्लाह ताला हमको उनका साया हमारे ऊपर रखे। वहां नदीम उल वाजिदी का जैसे कारी वासिफ साहब ने, मुफ्ती आरिफ साहब ने उनके बारे में बताया, मेरा भी तो ताल्लुक है चूंकि उम्र का तो उनका बहुत मेरे और उनकी उम्र में काफी गैप था, लेकिन उनका एक मिजाज था, इतना बड़े आलिम होने के बावजूद,
इतनी तसानीब के मुसन्निफ होने के बाद और आप उन्होंने लिखे हैं वक्त उन्होंने जो जो तफसीर से मुतालिक हों या अखबार से मुतालिक हों या जो उनकी किताबें शायद हुई हैं उनसे मुतालिक वो इतना बड़ा आलिम इतना बड़ा मुसन्निफ और जब वो हमारे साथ बैठते थे या हमसे छोटों के साथ बैठते थे या अपने लेवल के लोगों के साथ बैठते थे उस वक्त के मामला बिल्कुल उनके अलग होते थे। अमेरिका हमारी बहन का साल में तकरीबन दो तीन चक्कर लगते थे चूंकि एक ही औलाद यासिर नदीम आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको बच्चों को अंदाजा हो जाएगा वो किस अहल है किस तरह से उनको हीरे को तराशा है उनके बाप ने उनके वालिद ने मौलाना नदीमुल वाजिदी ने तो आपको अंदाजा होगा। तो बेटे की मोहब्बत और पोते की मोहब्बत उनको खींच कर ले जाती थी साल में दो तीन मरतबा बहन जाती थी लेकिन बहुत डरते 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 वो कभी तैयार होते थे और अमेरिका जाने से हमेशा डरते थे कभी क्या हो जाती शायद यही वजह हो जो हुआ है। और जैसे मुफ्ती वाकिफ साहब ने बताया मैं खुद शाहिद हूँ खुद गवाह हूँ काशी कब्रिस्तान में मुझे उन्होंने वो जगह दिखाई कि ये मेरा जो है वो कब्र की जगह है तो मुझे ताज्जुब भी हुआ कि आपने पहले ही तयन कर रखा है बारह ये भी एक वो है कि आखिरी दिन को उस मौत को हम यकीन कर रहे हैं तो लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत देखिए कि इंतकाल हुआ तो अमेरिका में हुआ और अच्छी हालत में थे बहुत अच्छी सेहत में रहे थे। वापसी से दो दिन पहले उनको कुछ शिकायत हुई शिकायत तो तकरीबन छः सात महीने से थी ये पीछे ये हाथ में और गर्दन में दर्द बताते थे तो शायद तशखीस सही नहीं हो पा रही थी सब लोग उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस समझते रहे और चूंकि ये कार्डियक अरेस्ट की एक पहचान होती है कि जब कभी कार्डियक अरेस्ट होने वाला होता है जो भी उसका वक्त हो उससे पहले ये कंधे में मोड़े में हाथ में ये सब दर्द शुरू उसकी शुरुआत होती है। बहरहाल तशखीस नहीं हुई जब वहाँ वापसी से दो दिन कब्ल कुछ दर्द की शिद्दत ज़्यादा हुई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका मैं समझता हूँ दुनिया में जैसे तरक्यात के हिसाब से देखा जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे बड़ा कोई मुल्क समझा नहीं जाता लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन हुआ वो डॉक्टरों की क्या उसमें लापरवाही गए या क्या कहें ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन होने के बाद ओपन सर्जरी हार्ट की हुई और दूसरे दिन जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हुई फिर दोबारा सर्जरी हुई फिर कोई डिवाइस उन्होंने लगाई तो वो सही लग नहीं पाई। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त नमस्कार हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।